नमस्कार दोस्तों, चंदन क्लासेस प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 22। दोस्तों, अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में उस व्यक्ति को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, और इन तीनों प्रकार के अधिकार का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 22 में है। तो समझिएगा इस टॉपिक को। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है। नज़रबंद मतलब समझिएगा कि गिरफ्तार मतलब समझिए पहले। गिरफ्तार का मतलब होता है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले जाती है, ठीक है दोस्तों। डिटेन करना, नज़रबंद करना मतलब ये होता है कि अगर सरकार को ये महसूस हो जाए, सरकार को ये लग जाए कि आप कोई गलती करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको बिना बताए वो गिरफ्तार कर लेगी। तो अगर ऐसे मामलों में आपको गिरफ्तार करती है तो इस संदर्भ में आपको तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में ये उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। पहला अधिकार क्या है? गिरफ्तारी के कारणों को जानना। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार है वो जान सकता है या पूछ सकता है उससे कि हमें किस कारण से आपने गिरफ्तार किया है, ऐसी क्या वजह है जो आपने मुझे गिरफ्तार किया है, मतलब कारण जान सकता है, उसका यह अधिकार है। दूसरा अधिकार है कि वह मन चाहा वकीलों की सहायता ले सकता है। क्योंकि देखिए, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, उस पर कई प्रकार के धाराएं लगाती हैं, तो उसे कानून के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती, तो जो कानून का विशेषज्ञ होगा, जो कानून का जानकार होगा, तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपने मनचाहा वकील को अपने केस में लगा सकता है, या अपने वकील को ये पूछ सकता है कि किस तरह से इस चीज़ का निवारण किया जाए, ठीक है दोस्तों। और तीसरा अधिकार उसे प्राप्त है कि 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट छुट्टी पर चले गए हैं या फिर शनिवार के दिन आपने गिरफ्तार किया कि रविवार को छुट्टी हो जाएगी। मजिस्ट्रेट की छुट्टी कभी नहीं होती है, ठीक है, वो ऑन ड्यूटी रहती है। आप उनके घर पर उपस्थित कर सकते हैं या फिर उनके ऑफिस में उपस्थित कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट छुट्टी पर जाते हैं तो जो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके स्थान पर उनकी नियुक्ति की जाती है, आप उनके समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना है, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये तो एक प्रकार से भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भाई, अपराध भले किया है व्यक्ति ने, उसे आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन है तो वो इंसान ही। संविधान इतना खूबसूरत है, आप समझिएगा इस खूबसूरती का, कि अपराध किए हुए व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त है। इंसान को तो छोड़िए, यहाँ जानवरों को भी अधिकार प्राप्त है। जब आपके सामने हम DPSP का चर्चा करेंगे, आपके सामने अनुच्छेद 48 की बात करेंगे, उसमें पशुओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उन सब के बारे में आप सबसे चर्चा करेंगे। ये है संविधान की खूबसूरती। तो दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा, उसे तीन प्रकार का अधिकार प्राप्त है। ये हुआ देश के संदर्भ में। अगर कोई दुश्मन देश का नागरिक होगा तब ये जो तीन प्रकार के अधिकार हैं उसको प्राप्त नहीं होगा। या जो स्पेशल एक्ट हैं, जो निरोधक एक्ट हैं, जैसे कि टाडा हो गया, पोटा हो गया, ठीक है, कोका हो गया, ठीक है, अगर इनके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तब ये जो तीन प्रकार के अधिकार हैं इनको प्राप्त नहीं होगा। वो अपने नहीं जान सकते उनको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, उनको मतलब ये तीन प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। तो दोस्तों वही देखते हैं हम लोग। उपरोक्त अधिकार दुश्मन देश के व्यक्ति को तथा निरोधक विधि में गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। दुश्मन देश मतलब समझिए कि जैसे कि हमारा किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 22 में जो लिखे हुए अधिकार है उसको प्राप्त नहीं होगा। अब निरोधक विधि क्या होती है समझिएगा। टाडा हो गया, जो संजय बाबा जो है, संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे ना, उनके ऊपर लगा था टाडा, ठीक है। और उसके बाद पोटा है, राज कोका है, गुज कोका है, यूपी कोका है, एम कोका है, रासुका है, अगर इनके भी तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तब भी वो जो अनुच्छेद 22 में लिखे अधिकारों का जो अधिकार है उसको प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये है राजकोका, मतलब ये राजस्थान का स्पेशल एक्ट है। अगर इसके तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसका छूटना मुश्किल होता है,
ये देश विरोधी कानून होते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कोई कार्य करता है तब उसको गिरफ्तार किया जाता है इसके संदर्भ में, ठीक है। गुजको का है, मतलब राजस्थान का एक एक्ट है। यूपी को का है, ये उत्तर प्रदेश का एक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये एम को का मतलब क्या बोलते हैं, एम को का मतलब महाराष्ट्र का है, राजू का है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 में यह भी उल्लिखित है कि अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उनको अधिकतम 3 माह तक रखा जाएगा, मतलब जो नज़रबंद है या गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के तक ही रखा जा सकता है। अगर इनकी अवधि बढ़ानी है, कि अगर ऐसा लगता है कि इनको और समय के लिए रखना उचित होगा, तब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में रह चुका पूर्व न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। अगर वो लिख के दे देते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है इसे और कुछ देर रखने की आवश्यकता है, तब उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 22 हम लोगों का ये समाप्त हुआ। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों अनुच्छेद 21A कवर किया था बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के तहत पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, किसमें, DPSP में। उसके बाद उठा के इसका मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में रख दिया गया। ये अटल बिहारी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कवर हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।